साल आपने कितने युवाओं को रोजगार दिलवाया? पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी की सरकार ने 1,00,000 युवाओं को रोजगार दिलवाया। अब देखिए, हर रोज 30,000 युवा, नए युवा रोजगार ढूंढने के लिए निकलते हैं। हिंदुस्तान की सरकार उसमें से सिर्फ 400 लोगों को रोजगार देती है। हिंदुस्तान का युवा काम करना चाहता है, देश को बनाना चाहता है, और एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार उसको रोजगार नहीं दे पा रही। दूसरी तरफ किसान, वही बात है, किसी भी प्रदेश में आप चले जाइए, यहां सौराष्ट्र में पूछ लीजिए, किसी भी किसान से आप पूछें, मैं आपसे पूछता हूं, क्या मूंगफली के लिए आपको सही दाम मिलता है या नहीं? यही सवाल आप हिंदुस्तान के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाओ, किसी भी गांव में चले जाओ, आपने किसान से यह सवाल पूछा कि भैया आपको सही दाम मिलता है हां या ना, हिंदुस्तान का हर एक किसान आपको कहेगा नहीं मिलता है। उल्टा पता नहीं क्या हुआ, पिछले साल नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी कर डाली, ऐसा जबरदस्त नुकसान हुआ, कैश में किसान बीज खरीदता है। यहां किसान खड़े हैं, जब आप बीज खरीदते हो क्या आप मोबाइल टेलीफोन से खरीदते हो? क्या आप चेक भर के खरीदते हो? क्या आप क्रेडिट कार्ड से खरीदते हो? नहीं, आप कैश से खरीदते हो। मजदूरी करता है कोई, क्या उसका पेमेंट टेलीफोन से मिलता है उसको? नहीं, कैश में मिलता है। पता नहीं क्या कारण था, नरेंद्र मोदी जी ने बिना किसी से पूछे हिंदुस्तान की इकोनॉमी पर जबरदस्त आक्रमण किया, और वहां नहीं रुके, छोटे दुकानदार, छोटे व्यापारी, उनको जबरदस्त चोट लगी, और फिर जीएसटी आई। हमने सरकार से कहा कि देखिए, जीएसटी होनी चाहिए तो पूरे हिंदुस्तान के लिए एक टैक्स होना चाहिए, और अगर तो प्यार से लाइए, आस्ते से लाइए, जल्दी मत कीजिए, नहीं तो जबरदस्त नुकसान होगा। जीएसटी की एकदम की, और 5 अलग अलग टैक्स लगाए। आज छोटे व्यापारी को हर महीने 3 फॉर्म भरने पड़ते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के पास अकाउंटेंट होते हैं, लाइन लगी रहती है, मगर ये जो छोटे दुकानदार हैं, छोटे व्यापारी हैं, वो फॉर्म नहीं भर पाते हैं। लाखों इनके बिजनेस बंद हो गए, और आज हिंदुस्तान में गंभीर समस्या पैदा हो रही है, रोजगार नहीं है, किसान को सही दाम नहीं मिलता, बोनस नहीं मिलता, दुख है। और फायदा किसको मिल रहा है? पूरा का पूरा फायदा, ये तो आप जानते हो बहुत अच्छी तरह, आप जानते हो, यहां आपसे बेहतर कौन जानता है, 5-6 कंपनियां हैं, उनको जमीन मिलती है, उनको बिजली मिलती है, उनको पानी मिलता है,
ये है गुजरात मॉडल। हिंदुस्तान में जो भी कमजोर है, जो भी गरीब है, उसके लिए इनके दिल में जगह नहीं है। जो भी पैसे वाला है, अमीर है, उनके लिए सब दरवाजे खोल देते हैं। यही फर्क है हम में और उनमें। गुजरात में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो मैं आपको बता देता हूं, किसानों की सरकार होगी, गरीब लोगों की सरकार होगी, युवाओं की सरकार होगी। ये मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं। और जो कांग्रेस पार्टी के वायदे होते हैं वो हम पूरे करते हैं। आप सब यहां आए, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।